हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लेके एक सपना था कि हमारी मदर इंडस्ट्री बॉलीवुड, जिसने मुझे जीवन दिया। फिर एक है साउथ बॉलीवुड, एक है नॉर्थ इंडियन बॉलीवुड, एक है ईस्ट इंडियन बॉलीवुड, एक है वेस्ट इंडियन बॉलीवुड। अब वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये समझिए जहाँ तक ये सातों समंदर है वहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ जहाँ लोग बॉलीवुड को जानते हैं, पहचानते हैं। हॉलीवुड से कहीं बड़ा ऑरा है बॉलीवुड का, क्योंकि जनसंख्या जो है वो हमारी स्ट्रेंथ है। मैंने एक 111 फाउंडेशन रोहेलखंड के विकास मंच के लिए बनाया था, जिसमें 1 और 11 हम भी एक उसकी एक कड़ी है, उसके पात्र हैं। और जिसमें हमारी टीम ने सपना देखा है कि रोहेलखंड और उत्तराखंड की वादियों में उत्तर भारतीय चलचित्र नगरी जो है, जो हमारे बॉलीवुड को और भी बड़ा मजबूत करेगी। क्योंकि हमने कला से ही आटा और आर्ट सीखा है, और कला से हमने छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके हमने अपना जीवन चलाया है। मैं जिस कला ने हमारा सातों समंदर निर्माण किया है, उस कला के लिए, उस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उस रोहेलखंड के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपया 111 फाउंडेशन पूरे देश, पूरी दुनिया में एक एक रुपया इकट्ठा करेगा। लेकिन 10,000 करोड़ रुपया जो है उत्तर, जो है रोहेलखंड की वादियों के लिए, फिल्म सिटी के निर्माण के लिए अपनी तरफ जब तक चंदा करता रहेगा, जब तक ये पैसा पूरा ना हो जाए, ये रोहेलखंड के विकास के लिए और चलचित्र नगरी जो है पीलीभीत के लिए। और नोएडा के बारे में ज़रूर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि नोएडा अगर 1,000 एकड़ में एक फिल्म सिटी बनने जा रहा है, तो मैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको फिल्म सेंटर बना दीजिए 1,000 एकड़ में, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर बना दीजिए नोएडा में, जहाँ से जो है वो लगातार उसके तार जुड़े रहेंगे और ये जो है पूरी दुनिया में शोभायमान होगा। तो अगर फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर नोएडा बनता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जल, जंगल, ज़मीन और पर्यावरण पर्यटन के लिए अब हमने कमर कस ली है दोस्तों, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और हम चाहते हैं कि अब उत्तर भारत में फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो, ताकि हमारी जो मदर बॉलीवुड है, इसका एक कंधा और बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो। 111 फाउंडेशन और उसके कर्म और उसकी नीति और नीति को विस्तार में चर्चा करने के लिए बृहस्पतिवार की शाम को 5:30 बजे फेसबुक पर आप सबसे विस्तार से बात करूंगा। तब तक के लिए हमारा इंतजार, और आप भी अपने रखिए बहुत प्यारे प्यारे सुझाव। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल।